वेलकम बैक टू आवर चैनल, माय नेम इज मुकेश कुमार। तो गाइस, आज की हमारी वीडियो एक बार फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर रहने वाली है। देखिए गाइस, इस वीडियो का मकसद यही रहेगा आप लोगों के डाउट क्लियर करना। और आप पिछले वीडियो में कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर हमारा एडमिशन का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, एडमिशन के जो अपलोड है डॉक्यूमेंट वो नहीं हो पा रहे हैं, और एडमिशन की जो फ़ी है वो सबमिट का लिंक एक्टिवेट नहीं किया जा रहा है। उसके ऊपर भी मैं पूरा का पूरा एनालिसिस करूंगा। और आपकी जो ड्यू बीएड की सेकंड मेरिट लिस्ट है गाइस घोषित कर दी गई है, ड्यू का ऑफिशियल वेब पेज आप देख सकते हैं। इसमें कल रात के ही इन्होंने एक एक्टिवेट करा था लिंक सेकंड मेरिट लिस्ट, जो ड्यू की सेकंड मेरिट लिस्ट है उसके रिगार्डिंग की पूरी एनालिसिस है। और देखिए, आप यहाँ पर लिंक देख सकते हैं, पीजी एडमिशन लिस्ट दे रखा है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि सेकंड लिस्ट आ रखी है। और यहाँ पर देख सकते हैं रिवाइज शेड्यूल फॉर द फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ पीजी एंट्रेंस मेरिट, ठीक है। इस पर पहले मैं क्लिक करूँगा क्योंकि पहले बच्चों का डाउट क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम में हैं, बार बार कमेंट ही कर रहे हैं कि सर हमारा एडमिशन किस रूप से हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, ये हमें समझ में नहीं आ पा रहा है। देखिए, कल इनका 12 बजे का समय था, आप देख सकते हैं 12 बजे 6 तारीख, और पोल रखा था कि पेमेंट करने का डेट आपको 6 तारीख है, लेकिन पेमेंट करने की डेट तो इन्होंने बता दी लेकिन लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया था पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो पेमेंट के लिए लिंक की आपके आप लोगों के लिए एक्टिवेट नहीं किया गया है। तो गाइस, जाहिर सी बात है कि आपके लिए भी डेट एक्सटेंडेड होगी। अगर आपका अभी तक अभी दिल्ली में अगर आप रहते हो, ठीक है, तो दिल्ली में अपना हेड ऑफिस जा सकते हो ईजिली तरीके से। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर लिंक एक्टिवेट नहीं किया है, हम दिल्ली में भी नहीं रहते तो हम क्या करें। तो गाइस, आप लोगों के लिए एक ही है, एक तो हेल्पलाइन नंबर इनका दे रखा, हेल्पलाइन नंबर पे आप इनसे मेल वगैरह कर सकते हो, ठीक है। आपका आप चिंता मत करिए, क्योंकि आपका अगर नाम पहली मेरिट लिस्ट में तो आ गया, आप किसी ना किसी कारण पहली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं ले पाया था, एडमिशन नहीं ले पाया था किसी न किसी से प्रॉब्लम के कारण, तो ठीक है गाइस, ये आपका इश्यू था। आई होप आपका इश्यू क्लियर हो गया होगा। और अभी तो रुको, बात कर लो तो सेकंड मेरिट लिस्ट की, जो सेकंड मेरिट लिस्ट आ रखी थी तो उस पर भी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ आप लोगों की। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबों की मतलब कि जारी नहीं की गई है, एमआर की भी नहीं जारी की गई है, विजुअल इसकी भी नहीं करी गई है, ठीक है, बहुत सारों की नहीं करी गई है, लेकिन इनकी कर दिया। मैं इनका भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इनकी मेरिट लिस्ट गई है 2022 की सेकेंड मेरिट लिस्ट ड्यू बी एड की, ठीक है। तो LLB का भी बता दूंगा थोड़ा सा, गाइस आप सब्र करके रखिए बस। देखिए, इसमें कट ऑफ पहले तो आपको केमिस्ट्री के बता देता हूँ, साइंस पैथोलॉजी से जनरल कैटेगरी से अंजलि झा है, उनका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में हो गया, रोल नंबर है, फॉर्म नंबर है, नेम है, अलॉटमेंट जो कॉलेज हुई है उनको वो वाली है, और फाइनल एंट्रेंस मार्क्स इनके 243 नंबर आ रखे हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इनकी ग्रेजुएशन में 86.31 मतलब परसेंटेज थी, चॉइस इनकी 1 थी CIE भरने का। और सेकेंड भी आप देख सकते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, बंसिका ठाकुर, और 242 नंबर आए हैं, 52 भी इनकी रैंक आई है, और इनकी परसेंटेज ये दे रखे, इनकी भी साइंस पैथोलॉजी थी, मैथमेटिक्स से करना चाहते थे, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसमें गाइस अपनी उसकी पैडोलॉजी साइंस सोशल साइंस की, ठीक है। गाइस देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाओ, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों के लिए वीडियो मिलेगा, मौका मिलेगा, ठीक है। तो गाइस देखिए, आप मेरे पहले पुराने सब्सक्राइबर तो उनसे रिक्वेस्ट है आपने थोड़ा सा शेयर कर दें, ताकि शेयर करोगे तो गाइस हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इससे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं बस देख लेते हैं, बस उनकी काम की न्यूज़ निकल जाती आती है, बस वो इग्नोर कर देते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है गाइस अपना एक लाइक कीमती हमें देके जाए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। अब यहाँ पर मैं सेकंड मेरिट की बात करूँ, अगर इसमें देखिए यहाँ पर देख सकते हैं पैडोलॉजी पॉलिटिकल साइंस दे रखी है 238 पे, और साइंस में इसमें मैथमेटिक्स दे रखी है 237 पे, और इसी तरीके से यहाँ पर भी 237 पे, लेकिन इन्होंने ज़्यादा नहीं गिराई है, जितनी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि सोशल साइंस की इतनी गिराए गए, 235 पे भी रुके पड़े हैं अभी तक। बहुत बच्चों के तो डाउट में है कि सर हमारा होगा नहीं होगा। अभी मैं OBC कैटेगरी की भी बात कर लेता हूँ, लेकिन अभी तो अनरिजर्व कैटेगरी की 12 देखिए गाइस, पहले वाली PDF में 26 पेज निकाले गए थे, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का नाम आया था, अब जो सेकंड निकाली है गाइस सिर्फ 12 पेजों की फाइल निकाली गई है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्क्रॉल करके ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर 12 पेजों की PDF निकाली गई है, तो ये UR की है। और लेडी इरविन कॉलेज की बात करें तो देखिए
400 में से इतने नंबर पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 146 इससे भी कम हो गए बहुत ज़्यादा, 140 139 130 इतने लगभग जाती है इनकी कट ऑफ, आप लोगों को पता है। देखिए ओबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं एक बार हम, ठीक है। अभिनेश कुमार गुप्ता की महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन 229 नंबर आए फिजिक्स कैटेगरी से, सोशल साइंस में 229 से, हिस्ट्री से, इस तरीके से नंबर देख सकते हो कि आपकी कट ऑफ कितनी गई है लास्ट टाइम पे, और 224 तक तो गिर चुकी है सोशल पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की 224 तक यहाँ पर गिर चुकी है ओबीसी के कैटेगरी की बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पर उस और भी कैटेगरी की बात कर लेते हैं ओबीसी की, आप देख सकते हैं लेडी इरविन कॉलेज की 111 पे गई है, 100 बहुत कम कट ऑफ गई है गाइस, देख सकते हो आप 109 110, लेडी इरविन की इतनी ही जाती है। एससी कैटेगरी की बात करें तो देखिए प्रशांत 221 मार्क्स आया केमिस्ट्री साइंस पैडोलॉजी से थे, और आप इस तरीके से देख सकते हो। इस पीडीएफ को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक एक्टिवेट कर दूंगा, तो वहां से भी आप इजीली इसको देख सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ एसटी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी के ज़्यादा बच्चों के नाम नहीं आते हैं। एसटी की देखिए साइंस पैथोलॉजी है 193 गाइस, ठीक है। अगर पॉलिटिकल की बात करें 180, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तब, ठीक है। अब मैं ईडब्ल्यूएस की भी बात कर लेता हूँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के भी बहुत सारे बच्चे थे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इनके 236 मार्क्स आए साइंस और 235 साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल की भी बात कर लेते हैं, जो एसएसटी कैटेगरी है उसकी भी एक बार बात कर लेते हैं गाइस, ठीक है, एक बार उसकी भी बात करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उसमें विजिट कर रखे हैं हमारे पहले से ही। और कॉमर्स की बात करूँ तो 186 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आपका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है गाइस। इस तरीके से ईडब्ल्यूएस का एक ही पेज इन्होंने एक्टिवेट करा था, आप लोग देख सकते हो, इसमें ज़्यादा पेज एक्टिवेट नहीं किए गए। आई होप आपका इसमें नंबर आ रखा होगा, अगर गाइस आपके इतने नंबर बन रहे हैं और थोड़े से नंबर कम आ रहे हैं तो आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। आप अपने मार्क्स बता सकते हो कि जिन बच्चों का सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, पहले तो अपना लाइक कीमती हमें ठोक के जाना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी कमेंट करके जाना। और जिन बच्चों का इस कट ऑफ में नाम नहीं आया तो आप नर्वस मत हो, उसका फोर्थ जो थर्ड लिस्ट आएगी उसमें आपका डेफिनेटली नाम आएगा, ठीक है। तो गाइस इसमें मैं बता देता हूँ, हर साल इसमें 6 कट ऑफ रिलीज की जाती है, अभी तो सेकंड लिस्ट है और 12 पेज है, तो आप जिस तरीके से देखोगे 10 पेज रिलीज हो गए थर्ड में, फिर 8 हो गए, फिर 6 हो गए, इस तरीके से मतलब कि डाउन पेज होते जाएगा, और डाउन पेज हो गए तो नंबर भी आपके डाउन होते जाएंगे इसी तरीके से। तो गाइस ये थी पूरी की पूरी अपडेट, आई होप आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम जाके ज्वाइन नहीं किया है तो जाके पहले तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, और इससे रिलेटेड हम आपको न्यूज़ बताते रहेंगे, और जो भी थर्ड नोटिफिकेशन आएगी एडमिशन का इशू वगैरह आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो हम आपको वो भी बता देंगे। तो गाइस टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन करिए, हम उस पर डाउट बच्चों के क्लियर कर देते हैं। आई होप आपका भी कोई डाउट क्लियर हो गया होगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।